कहने को मैं ये कह रहा हूँ, देवियों और सज्जनों, हमारे देश के साथ धोखा हुआ। नेताजी जिन्होंने आपको आजाद कराया वो ताइपे ताइवान नहीं गए। जो कांपेताई जापानीज इंटेलिजेंस थी उन्होंने पहले से उनके लिए प्लान बना रखे थे। उनको एक मित्सुबिशी बॉम्बर में बिठा के वो साइगॉन से मंचूरिया ले गए थे। एक रशियन स्पीकिंग जापानीज जनरल उनके साथ था जो इंटरप्रेटर का काम करना था। वो लैंड किए मंचूरिया में और वहां से वो सीधा रूसियों के पास गए। ओम्स्क शहर साइबेरिया में, जहां की रशियन गवर्नमेंट मूव करी थी वर्ल्ड वॉर टू के टाइम, ठीक है, ओम्स्क साइबेरिया, वहां पे आजाद हिंद फौज की एम्बेसी थी। अब जानते हैं वहां दूतावास था आजाद हिंद फौज, ठीक है सर, वहां पे काटो कानो नाम का कोड नेम था उसका, वहां पे एम्बेसडर था। नेताजी सीधे उसके पास गए, जो सोना दिया था भारतीय मूल के लोगों ने वो साथ ले गए ताकि अगर नई फौज खड़ी करनी पड़े तो उसके लिए पेमेंट करेंगे। वहां रहे, तीन ब्रॉडकास्ट उनके यहाँ पे रिकॉर्ड हुए हैं, उनके तीन ब्रॉडकास्ट रिकॉर्ड हुए हैं, 7 दिसंबर 1945, जनवरी 1946 और लास्ट ब्रॉडकास्ट रूस से 18 फरवरी 1946। उसके बाद तब तक अंग्रेजों को बिल्कुल क्लियर पता चल गया था, तो रेडियो ब्रॉडकास्ट भी थे, एविडेंस लेके पहुंच गए स्टालिन के पास, साहब ये तो हिटलर का साथ दिया इसने, तुम्हारा जानी दुश्मन, उसका कुछ करो। वो जॉर्जिन आए ऐसा, अब वो था खुंदकी, सीधा लेज़नविस्की प्रिजन सेल नंबर 45 साइबेरिया। यहाँ होम मिनिस्टर, होम सेक्रेटरी जो था मूडी अंग्रेजों का, वो लिखता है लेट हिम बी वेयर ही इज, ये लिखित है, मैं मुंह से नहीं कह रहा साहब, इट्स नॉट आपने मेरे को बताया, मैंने मेरी मम्मी को बताया, मम्मी ने मेरे पोते को बताया, डायरेक्ट रिटन रिकॉर्डेड एविडेंस, लेट हिम बी वेयर ही इज, हिंदुस्तान में कोई जेल नहीं जो उसे रोक सके, हिंदुस्तान में पुष्पिंदर कोई जेल नहीं जो उनको रोक सकती थी, ठीक है साहब। और वहां पे उन्होंने सिर्फ एक चीज मांगी जो मेरी रिसर्च अभी तक मुझे बताती है, वी वॉन्ट टू इंटेरोगेट, हम नेताजी को इंटेरोगेट करना। आप इंटेरोगेशन का मतलब जानते हैं? नहीं जानते तो यहां फौजियों से पूछे इनसे इंटरोगेशन का क्या मतलब होता है। लेडीज एंड जेंटलमैन, कटु सत्य यह है कि उनको टॉर्चर करके मारा गया, और जो ये कहानी थी प्लेन क्रैश की जो जापानियों ने छोड़ी थी डिसेप्शन के तौर पे ताकि अंग्रेज उनके पीछा ना करें, उसको अंग्रेज ने उठाया, भाई जो मर चुका है वो चीख थोड़ी ना मारेगा। और आप और मैं हम हाथ में हाथ धर के बैठे रहे जब जिस इंसान ने आपको आजादी दी उसे यतनाएं देकर प्लास्टिक का बैग आखिर में सिर पे लाके दम घोट के मार डाला गया हो। वी हम सारे इस मर्डर शामिल हैं अपनी चुप्पी के मारे, 70 साल के बाद भी आप चुप हो, लेकिन हम आपको चुप नहीं रहने देंगे। हम फौजी ने अब ये ठान लिया है साहब, हम आपको चुप रहने नहीं देंगे।